सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने यूट्यूब चैनल के तहत सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न तथ्यों को हम उठा रहे हैं, विभिन्न चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के तहत आप लोग जिन विद्यार्थियों को जीएस प्री कम मेंस का विधिवत तैयारी करना है और हिस्ट्री ऑप्शनल का विधिवत तैयारी करना है, वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल के तहत हम लोग उन चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, उन तथ्यों को, उन टॉपिक्स को हम लेते हैं जिन टॉपिक्स पे या तो किताबों में संगठित मटेरियल उपलब्ध नहीं है या ऐसे लेक्चर्स बहुत कम उपलब्ध हैं। मतलब हमारा उद्देश्य है कि आपके कठिनाइयों को, आपके समस्याओं को दूर करके आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करना, ठीक है ना। तो इसके तहत इकोनॉमिक्स का आज हम लोगों ने टॉपिक उठाया है, वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण। इकोनॉमिक्स का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा आजकल इंडियन सोसाइटी के तहत ये भी एक नया चैप्टर शामिल किया गया है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। असल में ग्लोबलाइजेशन एक आर्थिक अवधारणा है, लेकिन एक आर्थिक अवधारणा होते हुए ग्लोबलाइजेशन जो है वो समाज को भी टच कर रहा है, शिक्षा को भी टच कर रहा है, परिवार को भी टच कर रहा है, अपितु समस्त समाज को स्पर्श कर रहा है। और केवल बाहर से प्रभावित नहीं कर रहा, अंदर से प्रभावित कर दे रहा है। बात समझ में है, ये अवधारणा केवल बाहर से प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि ये अंदर से भी प्रभावित कर दे रहा है। यही कारण है कि यह अवधारणा वर्तमान में डिस्कशन के लिए पूर्ण रूप से प्रासंगिक बन जाता है। और वैश्वीकरण के ही समानार्थी अवधारणा उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, और उससे ही समानार्थी अवधारणा जो है वो प्राइवेटाइजेशन है। तीनों थ्योरी को अगर मिला लिया जाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इनको मिलाने के बाद जो अवधारणा बनती है वो है एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है जो घर में प्रयोग होता है, घरेलू सिलेंडर। यहां एलपीजी का मतलब है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और इन दोनों अवधारणा को समाहित करता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। एक आर्थिक अवधारणा है, और आश्चर्य की बात है कि यह आर्थिक अवधारणा पूरे विश्व को स्पर्श करती है, छूती है, और यहां तक कि बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। आप घर में बैठे हैं, भारत के किसी गांव के कोने में बैठे हैं, ग्लोबलाइजेशन आपको स्पर्श कर रहा है, आपको तनिक कल्पना भी नहीं हो रहा है कि वो आप तक पहुंच गया है ग्लोबलाइजेशन। कब वह ग्लोबल से लोकल बन गया और कब ग्लोबल से लोकल से ग्लोबल बन गया, ये आपके समझ में आएगा ही नहीं। कब आप अमेरिका के एक कोने में बैठा हुआ किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के कब आप उपभोक्ता बन गए, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है अमेरिका में स्थित एक नगर का गांव भारत के सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ एक इंसान कैसे उपभोक्ता हो गया, कैसे वो ग्लोबलाइजेशन के हद में आ गया, आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। और वो आप उसके ग्राहक बन गए। अरे ग्लोबलाइजेशन की अंतिम अवधारणा ही है ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव। और इस वैश्विक गांव की अवधारणा में कोई भ्रातृत्व का सिद्धांत नहीं है,
कोई भाईचारे का सिद्धांत नहीं है, कोई कल्याण की भावना नहीं है, इसमें आर्थिक अवधारणा प्रबल है, लाभ की अवधारणा प्रबल है, संसाधनों पर काबिज होने की भावना प्रबल है। यहां तक कि आपकी अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाने की भावना प्रबल है। जब भारत के संस्कृति के पुरोधा और भारतीय संस्कृति के निर्माता वसुधैव कुटुंबकम का उद्बोधन करते थे और उनकी शंखनाद पूरे विश्व को अपने अवधारणा के तहत, वसुधैव कुटुंबकम के तहत उद्बोधित करता था, तो इसके पीछे नैतिकता था, इसके पीछे शुचिता था, इसके पीछे भ्रातृत्व का भाव था, इसके पीछे बंधुता था। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ग्लोबल विलेज से कई गुना आगे बढ़ जाती है। यह अवधारणा यह नहीं मानती कि पूरा विश्व एक गांव है, ग्लोबल विलेज है। यह अवधारणा मानती थी कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, यानी परिवार है, और यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा थी। आज के वैश्वीकरण की तरह एक आर्थिक अवधारणा नहीं थी, लाभ का तत्व प्रमुख नहीं था, फायदे का तत्व प्रमुख नहीं था, व्यापार का तत्व प्रमुख नहीं था, निजीकरण का प्रमुख तत्व प्रमुख नहीं था, और वहां की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेकर आर्थिक साम्राज्य का विकास करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तानाशाही का विकास करना, वॉलमार्ट और अमेजन संस्कृति को पूरे दुनिया में फैला देना, यह अवधारणा नहीं था कि सात समंदर पार बैठे अमेरिका की अमेजन संस्कृति भारत जैसे देश के ऊपर पूरा छा गई है। जिस देश में भारतीय रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वहां अमेजन जैसी संस्कृति करोड़ों अरबों कमा के निकल जा रही है और हम देखते रह जा रहे हैं। और हद तो तब हो जा रहा है जब उसका कोई फैक्ट्री भारत में स्थापित नहीं है। अब कोई फैक्ट्री खोलने वाला है, कहीं सुना हो गया है। यही है सिनारियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यही है वैश्वीकरण। ये वैश्वीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। बहुत लोग वैश्वीकरण का अवधारणा पश्चिमीकरण मान लेते हैं। वैश्वीकरण हां पश्चिमीकरण का एक अंग है, पश्चिम से आई एक आर्थिक अवधारणा है, टोटल पश्चिमीकरण नहीं है। पश्चिमीकरण एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा थी जो भारत में अंग्रेजियत को फैलाना चाहती थी, काले अंग्रेज पैदा करना चाह रही थी, और भारत के पश्चिमीकरण करके अपनी साम्राज्यवाद को स्थायी बनाना चाह रही थी। कॉलोनीज का जमाना तो चला गया, बड़े बड़े राज्य साम्राज्य तो ध्वंस हो गए, समाप्त हो गए। अब कैसे दूसरे राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे? तो शुरू हुआ आर्थिक साम्राज्य का जमाना शुरू हुआ। यानी अब अर्थव्यवस्था के माध्यम से आपको ऋण देंगे, लोन देंगे, अपना व्यापार आपके वहां स्थापित करेंगे और उस आधार पर आप पर हम कब्जा स्थापित करेंगे, और यही अवधारणा कहलाई वैश्वीकरण। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, परिभाषा सुन लीजिए भाई, देखिए परिभाषा केवल लकीर का फकीर पढ़ाना है। अगर हम केवल यही पढ़ाएंगे तो फिर हम क्या पढ़े? अगर हम केवल आपके सामने आके लकीर के फकीर जैसा बोल के चले जाएं वैश्वीकरण कि किसी देश की विश्व अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देश की अर्थव्यवस्था से एकीकरण हो जाना वैश्वीकरण है, बस वो यही परिभाषा हो गया, पढ़ाने का मतलब क्या हुआ भाई? केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देश की अर्थव्यवस्था से एकीकृत हो जाना वैश्वीकरण है? तो पाकिस्तान का भी तो वैश्वीकरण हुआ, अफगानिस्तान का भी तो वैश्वीकरण हुआ, इराक का भी वैश्वीकरण हुआ, अरब का भी तो वैश्वीकरण हुआ। उतना परिवर्तन नहीं दिख रहा जितना भारत में दिख रहा है।
वैश्वीकरण तो दुनिया के हर देश का हो गया, हर देश की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो गई, उतना परिवर्तन तो नहीं हुआ जितना भारत का हो गया। भारत के हर जेब में पैसा ना हो, मुख में अन्न ना हो, हाथ में रोजगार ना हो, लेकिन मोबाइल जरूर होगा। भले मोबाइल में बैलेंस ना हो, 10,000 का मोबाइल हाथ में होगा, यही तो वैश्वीकरण है, यही तो वैश्वीकरण है जो आपको दिखा रहा है कि भैया आप 2,000 वाला मोबाइल क्यों रखोगे। आपका तो जन्म हुआ 10,000 वाला मोबाइल रखने के लिए, आपका जन्म हुआ 15,000 वाला मोबाइल रखने के लिए। भले आपके जेब में मुख में अन्न नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन हाथ में मोबाइल होगा तो 10,000 का, यही तो वैश्वीकरण है। और यही वैश्वीकरण की अवधारणा आपके अंदर विलासिता की वस्तुओं को आवश्यकता बनाकर रख दी, यही है पूंजीवाद। और यही है पूंजीवाद का पूरे दुनिया में साम्राज्य, जिसका दूसरा नाम है वैश्वीकरण। और यह प्रक्रिया ऐसे नहीं चलती है। अच्छा, वैश्वीकरण का क्या हुआ, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी विश्व के अन्य समस्त अर्थव्यवस्थाओं से एकीकृत हो जाती है तो इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। अच्छा, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से एकीकृत हो गई तो क्या होगा, विश्व का उस देश सारे दुनिया भर के निर्यातक यहां आएंगे, दुनिया भर के पूंजीवादी यहां आएंगे, यहां के पूंजीवादी वहां जाएंगे, वहां की तकनीकी यहां आएगी, यहां के मैन पावर वहां जाएगा, यहां के वस्तुएं वहां जाएंगी, वहां की वस्तुएं यहां आएंगी, यही वैश्वीकरण है। तो यही तो अंग्रेज सैकड़ों वर्षों से कर रहे थे, तो उस समय ये वैश्वीकरण क्यों नहीं कहलाया। दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई। अरे औद्योगिक क्रांति क्या, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था का भारत केंद्र था, उसको वैश्वीकरण क्यों नहीं कहा गया, वो भी तो औद्योगिक क्रांति के तहत भी पूरे दुनिया पे काबिज हो गए। अंग्रेज साम्राज्यवाद क्यों स्थापित कर रहे थे, क्योंकि उनको उस देश का प्राकृतिक संसाधन चाहिए था, और प्राकृतिक संसाधन पाएंगे कैसे जब वहां पे अपना राज स्थापित कर लें, नहीं तो वहां का राजा थोड़ो आपको संसाधन देगा, इसीलिए वहां कब्जा जमाते थे। तो राजनीतिक आकांक्षा तो पूरी होती थी, साथ में जो सबसे जरूरी था वहां का प्राकृतिक संसाधन मार्केट, वो मिलता था उनको। लेकिन अब वैश्वीकरण में क्या हुआ, वैश्वीकरण में आर्थिक साम्राज्य तो स्थापित हुआ, लेकिन इसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं हुआ, इसका प्रभाव केवल तकनीकीगत नहीं हुआ, इसका प्रभाव केवल पूंजीगत नहीं हुआ, इसमें वस्तु सेवा तकनीकी पूंजी निवेश सबका उन्मुक्त प्रवाह हुआ, यहां तक कि मैन पावर का भी उन्मुक्त प्रवाह हुआ। यहां से वहां बड़ी संख्या में लोग आए, वहां से यहां बड़ी संख्या में लोग गए, बड़ी संख्या में वहां के लोग यहां आए, बड़ी संख्या में यहां से लोग वहां गए। सिलिकॉन वैली भारतीयों से भरा हुआ है, नासा भारतीयों से भरा हुआ है, और इस वैश्वीकरण के प्रवाह ने जिनमें समस्त संसाधनों का उन्मुक्त प्रवाह हुआ, केवल आर्थिक अवधारणा को टच नहीं किया, बल्कि सामाजिक को भी टच किया, सांस्कृतिक भी टच किया, शैक्षिक भी को टच किया। पहले मेडिसिन था, अब टेली मेडिसिन हो गया, पहले शिक्षा था, अब टेली शिक्षा हो गया, ऑनलाइन शिक्षा चल रहा है। अमेरिका में बैठे हुआ गणित का एक विद्यार्थी भारत के एक गणित विद्वान से गणित की शिक्षा ले रहा है।
क्या ये मैन पावर का उन्मुख प्रवाह नहीं है? और सोचिए, आउटसोर्सिंग, भारत आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र बना, ये वैश्वीकरण का ही तो देन है। जो काम अमेरिका में 100 रुपए में हो रहा था, भारत में वो काम 50 रुपए में हो रहा था। अब वो कंपनियां सारा वर्क जो है वो कहां दे रही है? भारत में दे रही है। आउटसोर्सिंग इसको बोलते हैं, किसी दूसरे देश में जाकर कंपनियों द्वारा काम करवाना आउटसोर्सिंग है। ये वैश्वीकरण का है, ज्ञान का, बौद्धिकता का भी प्रवाह हो रहा है। अब वो अमेरिका में बैठी हुई कंपनी वहां के लोगों से काम नहीं करवा रही, भारत के लोगों को काम करवा रही है, यहां की बौद्धिक संपदा वहां जा रही है। एकीकृत और सीमा मुक्त बाजार बनाना, सीमा मुक्त, कोई दरो दीवार ना हो। हद तो तब हो जाता है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थाएं इसी वैश्वीकरण की अवधारणा में, देखने में ये केवल आर्थिक अवधारणा था जिसमें पूंजी का, जिसमें तकनीक का, जिसमें संसाधन का, जिसमें व्यापार के विभिन्न अंगों का उन्मुक्त प्रवाह हो रहा था, लेकिन यहीं तक थोड़ी ये अवधारणा रुका। बहुत सी ऐसी वैश्विक संस्थाएं बनी जो उस देश की नीतियों को बड़ी तरीके से प्रभावित करती थी। आपको देखने में ऐसा लगता है कि बजट जो बनता है वो देश की आवश्यकताओं को लेकर बनता है, लेकिन तथ्य यह बताते हैं कि बहुत से सारी देशों के जो आर्थिक नीतियां हैं वो वैश्विक संस्थाओं के प्रभाव में बनती हैं, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो WTA हो, चाहे वो UNO हो, चाहे वो ILO हो। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो उस देश की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं। अगर किसी देश में भूमि अधिग्रहण विधेयक बड़ी मात्रा में आता है और बहुत सारे संसाधनों को आम जनता से छीन कर सरकारी बना देता है और किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देता है, तो क्या यह वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? योजना आयोग ने भारत के बारे में लिखा था कि कोलंबस के बाद, ये ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोलंबस के बाद सबसे ज्यादा अगर भूमि का यानी जमीन का लूट हुआ, अधिग्रहण हुआ, तो भारत में हुआ। कहां गया ये जमीन? किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया, किसी बड़े पूंजीपति को दे दिया गया, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े सड़कों के नाम पे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के नाम पे, कॉलोनीज के नाम पे जमीन अधिग्रहित किया जा रहा और दे दिया जा रहा बड़े बड़े निजी कंपनियों को। भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया जा रहा और अध्यादेश के माध्यम से लाया जा रहा और कुछ दिन में समाप्त। कहां किसका जमीन निकालना था? दुनिया में जमीन की सबसे बड़ी लूट कोलंबस के बाद भारत में हुआ है, 1891 लाख, पता नहीं कितना, अब इस समय आंकड़ा याद नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, वैश्वीकरण देखने में तो लगता है कि यह अवधारणा जो है वो आर्थिक अवधारणा है, लेकिन यह अवधारणा अपनी यात्रा शुरू तो अर्थव्यवस्था से करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए यह मनुष्य के परिवार में घुसता है, परिवार से समाज में घुसता है और पूरे देश को समाहित कर लेता है। यही है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो देखने में एक आर्थिक अवधारणा लगता है। एकीकृत और सीमा मुक्त बाजार बनाने का और नए बाजारों तक लोगों के पहुंचने का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। अच्छा, अब जब वैश्वीकरण के समर्थकों से पूछा गया, भैया ये बताओ कि वैश्वीकरण का कारण क्या है, जरा हमें कारण कुछ गिना दो भाई, काहे आप इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बड़ा कारण है आर्थिक,
तो पूछा गया, भैया आर्थिक कारण का है जरा हमको बताइए। कहीं नहीं जानते हैं, जो विकसित देश हैं उनके पास संसाधन ज्यादा है, उनके पास तकनीक भी ज्यादा है, लेकिन बाजार नहीं है। खा खा के वर्षों से मस्त हो चुके हैं, पैसा रुपया खत्म हो रहा है, कहां बाजार है? नया बाजार ना चाहिए। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, कहां से प्राकृतिक संसाधन पाएंगे? तो प्राकृतिक संसाधन पाने के लिए, बाजार पाने के लिए, सस्ता श्रम पाने के लिए क्या करेंगे? ये छोटे देशों के पास जाएंगे नहीं, विकासशील देशों के पास कैसे इनको मिलेगा? तो इस अवधारणा के कारण वैश्वीकरण का जन्म हुआ। फिर ये बताइए, जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, ना उनके पास तकनीकी है, ना उनके पास पूंजी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनको तकनीक दे रहे हैं, उनको पूंजी दे रहे हैं, हमको नया बाजार मिल रहा है, हमको सस्ता संसाधन मिल रहा है, तो हम उनके वहां पूंजी लगा रहे हैं और उनके वहां उनको रोजगार दे रहे हैं, उनको संसाधन दे रहे हैं, तो उनका बाजार हमने ले लेंगे। अच्छा भाई, काहे बाजार आप ले लोगे? 10 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचोगे, यही कर रहे हो क्या? यही तो वैश्वीकरण है भाई। अब आप अंदाजा लगाइए, जिन चीजों को आप किसी जमाने में 10 रुपए में खरीद रहे थे, आप कहेंगे महंगाई आ गई 100 हो गया। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 100 में कई बार हम जबरदस्ती लेने के लिए तैयार हैं? अगर कोई नॉन ब्रांडेड सामान 10 रुपए में मिल रहा है, 10 की जगह 20 में मिल रहा है, और ब्रांडेड सामान 100 रुपए मिल रहा है, तो आप ये 20 वाले के सामान को शंका के दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे 20 रुपए में दे रहा जरूर कोई बात है। और अमेरिका से आया हुआ एक ब्रांडेड सामान जब मिल रहा है, तो आपके मन में स्वतः विश्वास पैदा हो जाएगा, स्वतः समझ रहे, स्वयं आप कहेंगे बस करो, ये दूध का धुला हुआ है, और ये बेचारा जो अपने वहां लोकल बना रहा है, ये कहते कहते मर जाएगा। आप विश्वास करने का नाम ही नहीं लेंगे, मजबूरी होगा तो विश्वास कर लेंगे, पैसा कम होगा, लेकिन अनायास आप विश्वास नहीं करेंगे। यही तो वैश्वीकरण है। तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है, और तकनीकी संसाधनों का जब बढ़ा मोबाइल का तेजी से बढ़ा, तो वैश्वीकरण और बढ़ गया। ये भी वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब अमेरिका के किसी कंपनी का या ब्रिटेन के किसी कंपनी का आपको सामान चाहिए, बस कुछ करिए, अपने मोबाइल पर तुरंत बुक करिए, पलक झपकते ही सामान आपके द्वार पर आ गया, पलक झपकते ही वह सामान जो है कहां आ गया? आपके द्वार पर आ गया। और आप आनंद में आ गए, अरे अभी तो हमने, क्यों नहीं भाई, वो तो आपको मार्केट बना ही लिया अपना। लेकिन अगर आर्थिक कारण, फिर इसके अलावा और भी बहुत तकनीकीगत कारण, इसके अलावा संसाधनों का कारण, इसके अलावा पिछड़े देशों की आवश्यकता, इसके अलावा रोजगार के बहुत सारे कारण ऐसे थे जो वैश्वीकरण के समर्थकों ने दिखाया कि इन इन कारणों से वैश्वीकरण का उदय हुआ। लेकिन किसी देश में किसी अवधारणा का मूल्यांकन होना भी तो जरूरी है भाई। जरूरी इसलिए है कि उस अवधारणा ने कहां कहां प्रभावित किया, क्योंकि उस अवधारणा के प्रभाव से तो हम जान पाएंगे कि उस अवधारणा का क्या औचित्य है देश में। अच्छा, एक बात है कि पूंजीवाद की अवधारणाएं बड़े ही बात में प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, चाहे 1929 का अमेरिका का मंदी हुआ, चाहे अभी 2007 में आया मंदी हुआ, यह सब प्रश्न चिन्ह पैदा करता है पूंजीवाद पर। वैश्वीकरण एक अगला पूंजीवाद का ही तो एक स्वरूप है, समाजवाद का स्वरूप तो है नहीं वो। तो अगर वो उसका स्वरूप है, तो अगर मंदी आया दो दो बार, सब प्राइम संकट आया, तो ये सारी चीजें प्रश्नचिन्ह सीमाएं तो पैदा कर ही रहे हैं पूंजीवाद का, और एक प्रकार के वैश्वीकरण की भी सीमाएं हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर ये दुनिया के हर देश में है,
तो ये तो मूल्यांकन होना चाहिए ना कि किसी देश के समाज पर, किसी देश के शिक्षा पर, किसी देश के संस्कृति पर, किसी देश के अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव है। तो हमें इसका प्रभाव अमेरिका में नहीं देखना, हमें इसका प्रभाव श्रीलंका में नहीं देखना, हमें इसका प्रभाव पाकिस्तान, हमें इसका प्रभाव भारत में देखना है। कि प्रभाव हमने परिभाषा जान लिया, हमने उसका कारण जान लिया क्यों फैला, लेकिन अब हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम भारत में देख लेते हैं, भारत में इसका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले सामाजिक प्रभाव जरा देखा जाए। अच्छा, सामाजिक प्रभाव में आप कुछ पॉजिटिव भी देख लिया जाए कि भाई समाज तकनीकीगत रूप से बहुत आगे बढ़ा, लोकल टू ग्लोबल हो गए हम लोग हो गए, हर क्षेत्र में तकनीकीगत विकास हुआ, हर क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों का भी विकास हुआ, बहुत सारी चीजों का विकास हुआ। लेकिन किसी देश का विकास का पैमाना केवल ऊपरी विकास नहीं बनता है, किसी देश के विकास का पैमाना उसके जड़ों का भी विकास होता है। वैश्वीकरण ने एक भौतिकवादी संस्कृति का उदय किया, एक ऐसी संस्कृति का जो मटेरियलिस्टिक था, जो भोगवादी था, जो उपभोक्तावादी था। इसमें दो ही रह गए, एक ग्राहक एक दाता, यानी कंज्यूमर पूरे विश्व को उपभोक्ता बना के रख दिया, एक बेचने वाला था दूसरा लेने वाला, सब उपभोक्ता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, उससे मतलब नहीं है। वैश्वीकरण ने उसको उपभोक्ता के रूप में देखा और उपभोक्ता के रूप में देख के कोई सामान इसको बेच देने की कल्पना पैदा किया कि भाई कुछ भी हो बेच डालो और इसी को बेचो, भले उसके पास 2 रुपया हो। अब बताइए जरा सा, 5 रुपए का रिचार्ज करवा लीजिए तो इसका मतलब आपके जेब से 5 रुपए निकल गया, गरीब भी 5 रुपए निकाल दिया, 10 रुपए निकाल दिया, उसके जेब में 5 रुपए अब नहीं बचा। तो उपभोक्तावादी संस्कृति, विपणनवादी संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति, जीवन और जीवन के मूल्यों में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। हालांकि पश्चिमीकरण से भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ था, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव से लोगों की संस्कृति बदली, दुनिया से आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा हो गया, और आपने देखा कि पश्चिमी विश्व में न्यूक्लियस फैमिली है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा, बिना शादी ब्याह के लड़की लड़का वर्षों से रह रहे हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि भारत की संस्कृति स्वतंत्र संस्कृति है, स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंदता भारतीय संस्कृति का विशेषता कभी नहीं हो सकता। और आपको मैं बताऊं, वैश्वीकरण स्वतंत्रता का वाहक नहीं है, यह स्वच्छंदता का वाहक है। पहले जब आप मोबाइल में भरवाते थे तो आपको 1 GB मिलता था पूरे महीने भर, 2 GB मिलता था, अब तो 1 GB रोज, 2 GB रोज दे रहे हैं। अच्छा, क्या यह बात गलत है कि कितने लोग इसका सदुपयोग करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल गलत है, डाटा गलत है, इसका प्रयोग गलत है, मैं भी इसी माध्यम का प्रयोग करके आप तक पहुंच रहा हूं, यह बिल्कुल गलत नहीं है। गलत होता है उसका उपयोग, कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई चीज गलत नहीं होता है। लेकिन कंपनियां आपको दे रही हैं डाटा, भाई अब 1 से नहीं मानोगे तो 2 देंगे, 2 से नहीं मानोगे 3 देंगे, मानना तो पड़ेगा, 10 देंगे, रोज 1 GB देंगे, रोज 2 GB देंगे। किसी जमाने में मोबाइल चलाना, डाटा प्रयोग करना कल्पना होता था, आज वो कल्पना क्या, आज वास्तविकता बन गई। यही तो ग्लोबलाइजेशन है, मोबाइल कल्चर का प्रयोग, बचपन खत्म,
अब कबड्डी खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, गोली खेलना, बहुत सारे शारीरिक कार्य करना, ये सब खत्म है। अब बच्चा पैदा होते गेम देख रहा है, क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? उस गेम से पैसा कमा रहा, उसको बताया जा रहा है देखो गेम खेलो इतना पैसा मिलेगा, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। गेम को भी बताइए, हम लोग खेल खेलते थे पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब गेम खेलने करोड़ों कमा रहे हैं। अब बताइए बच्चों के खेल को भी पैसा बितौ लिया गया, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। क्योंकि बच्चे को बच्चा नहीं माना गया, बच्चे को उपभोक्ता मान लिया। क्या मान लिया गया? उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर है, कुछ ना कुछ पैदा करेगा ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको देबे करेगा। भावनात्मक लगाव खत्म, अब रूसी की सूई जिंदगी आ गई। आर्थिक प्रभाव देखिए, ई कॉमर्स का प्रयोग हो गया, ई ट्रेडिंग का हो गया, ई बैंक का हो गया, ई प्रशासन का हो गया, ये सब प्रभाव चल रहा है। किंतु लोगों के बीच असमानता बढ़ा है, खाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मशीनों में बने सबसे सस्ते उद्योग, सस्ते सस्ते वस्तुएं भारत में बाढ़ आ गया है। अब बताइए लघु उद्योग, जिनके पास न पूंजी है, साधन है, तकनीक है, अब वो पूरे दुनिया में फैले बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लड़ पाएंगे, उनके सामानों से लड़ पाएंगे? अब लघु उद्योगों के समक्ष जो है वो जीवन मरण का संकट पैदा हो गया। लाखों लघु उद्योग जो हैं इस समय, करोड़ों लघु उद्योग जो हैं, इकाइयां जो हैं, उनकी रुगण हो गई हैं, सिक हो गई हैं। पहले जमाने में सरकार लगभग कई सौ जो वस्तुएं थे उसका उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया था, ताकि लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से लड़ना ना पड़े, हाथी को चींटी से मत लड़वाइए। लेकिन आज भारत सरकार ने लगभग लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सभी सामानों को छोड़ दिया है। अब एक छोटा सा लघु उद्योग का व्यापारी भी वही सामान पैदा करेगा जो नाक का फन फैलाए पूरे दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो सामान बनाएंगी, वही लघु उद्योग वाला बना रहा है। अब बताइए उसके पास इतना संसाधन है, लघु उद्योग वाला लड़ लेगा? लेकिन सरकार तो देश को मजबूत बनाना चाह रही है हाथी को चींटी से लड़वाकर। पहले जमाने में कृषक एक बार बताऊं आपको, भारत में कृषक आत्महत्या जो है वो भारत की विशेषता कभी नहीं रही, लेकिन इसी वैश्वीकरण के आगमन ने, पश्चिमीकरण के आगमन ने लाखों लोग, हर साल हजारों लोग जो भारत में कृषक आत्महत्या करते हैं, हजारों कृषक। सरकारें अपना बखान कितना भी कर लें, लेकिन कृषक आत्महत्या एक सच्चाई है। क्यों हो रहा भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? पहले गांवों की संस्कृति सामूहिक संस्कृति थी, एक घर चूल्हा नहीं जलता था, सब घर चूल्हा नहीं जलता था, एक घर परेशानी थी सब मिलकर उसको खाना देते थे, उसको मरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब वैश्वीकरण की संकल्पना ने आत्म केंद्रित समाज को पैदा किया जो केवल अपने बारे में सोचता है, और जब किसान के पास कर्ज लेने के बाद उसे लौटाने का धन नहीं रहता है, तमाम अपमान सहने पड़ते हैं, तो उसके पास सबसे बड़ा जो रास्ता दिखाई देता है वो है आत्महत्या। और तो और वैश्वीकरण जो है वो शहर केंद्रित है, गांव केंद्रित नहीं है, सारी सुविधाएं जो हैं वो शहरों की ओर चली जा रही है। देख लीजिए आप शहरों के चकाचौंध को, दिल्ली के कनॉट प्लेस में पैदा हुआ चकाचौंध पूर्वोत्तर के एक अंधेरे में बैठे हुए गांव से तुलना होगा क्या उसका? क्या वैश्वीकरण में, ये नहीं कह रहा हूं कि वैश्वीकरण खत्म कर दो, या देखिए हमेशा याद रखिए कोई भी अवधारणा हो,
उसका संचालन समाज के पक्ष में जरूर होना चाहिए भाई, ये मान के चलिए, बाजार के पक्ष में नहीं होना चाहिए। केवल मैंने मेरे कहने मतलब केवल बाजार के पक्ष में नहीं होना चाहिए, केवल पूंजीपति के पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसी कर की अवधारणा केवल पूंजीपति और बाजार के पक्ष में खींच रही है। समाज तो दोयम दर्जे का हो गया भाई, जब समाज उपभोक्ता बन गया तो दोयम दर्जे तो हो ही गया भाई। प्राथमिक दर्जा पूंजीपति और उद्योग हो गए, द्वितीयक दर्जा समाज हो गया। राजनीतिक सत्ता पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया, बड़े बड़े पूंजीपति बड़ा बड़ा चंदा सरकार को देते हैं। अब एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में 9 अरब खर्चा कर रही है, एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में 7 अरब खर्चा कर रही है। कहां से इतना पैसा आ रहा है भाई, कहते हैं चंदा मांगे। अच्छा, 10-10 पैसा, 1-1 रुपया, 100-100 रुपया जमा करके 9 अरब जरा हमें जमा करके दिखाइए, 9 अरब जरा जमा करके दिखा के चुनाव लड़के दिखा लीजिए। तो क्या इन पूंजीपतियों से अरबों करोड़ों नहीं लिया जा रहा है? अगर लिया जा रहा है तो हर जाना भरना पड़ेगा भाई, उस समय पर उनका काम करना पड़ेगा। तो पूंजीपतियों का कब्जा हो ही गया, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाप्त कम होती चली जा रही है सरकार की। भले सरकार जो भी कहे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो आम जनता से ज्यादा इन्हीं पूंजीपतियों की ओर होता है। क्योंकि भाई ये पूंजीपति करदाता भी हैं और चंदादाता भी हैं, और चंदा पे ही पूरा चुनाव है। किसी पार्टी की सरकार हो, यह बेकार की बात है कहना कि इनके वहां नहीं है उनके वहां है, बेकार की बात है। इस डिस्कशन में, इस फालतू के डिस्कशन में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो सांप हैं, हम साह हैं, वो चोर हैं, सब बेकार की बात है। ये फालतू का डिस्कशन है कि अब डिस्कशन करें वो ईमानदार है वो, ये सारी पार्टियां जान रही है, सबका दिल जानना कि वो क्या है, क्या करना चाह रही है। अब आइए दूसरी अवधारणा, उदारीकरण। उदारीकरण जैसा नाम से स्पष्ट है, आर्थिक नीतियों को उदार बनाना, यानी आर्थिक नीतियों में जो कठोरता था उसको कम करके उसको उदार बनाना उदारीकरण है। जैसे मैंने बताया कि अगर ये मार्कर था पहले जमाने में 1991 पहले, अगर इस मार्कर का कलर, ये टिप का कलर काला है, इसको अगर नीला बनाना है तो सरकार से अनुमति लेने के लिए कई सारे फाइल और कई सारे प्रयास करने पड़ते, तब जाके अनुमति ये मिलता, कई टेबू से वो प्रक्रिया गुजरनी पड़ती थी। इतना इंस्पेक्टर राज था, तो इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना, लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उद्योगों को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं को हटाना। भाई पहले जमाने में बहुत ज्यादा उद्योग थे जो केवल सरकारी क्षेत्र में थे, अब मात्र 3 को छोड़ दीजिए, परमाणु खनिज और रेलवे, तो बाकी सब इस समय प्राइवेट हो चुका है। मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाना, पहले था कि आप 100 मार्कर पैदा करोगे, अब तो भाई जितना पैदा करो, पहले था कि इतना निर्यात करोगे, अब चाहे जितना करो, मात्रात्मक प्रतिबंध हट गया। तो लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करना, इंस्पेक्टर राज समाप्त करना, मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करना, आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करना, ये सब क्या कहला रहा, उदारीकरण। अर्थव्यवस्था को उदार बनाएगा, क्यों उदार बनाएगा, ताकि वैश्वीकरण अंदर आ सके। उदार नहीं बनाओगे तो वैश्वीकरण घुस पाएगा आपके पास, यानी उदारीकरण भी वैश्वीकरण की एक सहयोगी अवधारणा हो गई। अच्छा, अगर अब आपने वैश्वीकरण ला दिया, उदारीकरण कर दिया, तो जो सरकारी संस्था है वो भी तो अब निजी हाथों में दोगे कि नहीं दोगे, कि बस खाली सब चीज सरकारें चलाएगी? तो अब तीसरी अवधारणा पैदा हुई कि भाई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा जाए, तो उसको कहा गया निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। या तो सरकार अपना हिस्सा बेच दे, या तो सरकार उन उद्योगों का संचालन निजी हाथ में दे दे, तो वो क्या हो गया, निजीकरण। जब सरकार अपने बहुत सारे
संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचना प्रारंभ कर दे तो निजीकरण कहलाता है। आरक्षित सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दे तो वो भी निजीकरण का एक उदाहरण होगा। ये रहा वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, पूरा विश्व इसी में समाया हुआ है। ये ऐसी अवधारणाएं नहीं है जो किसी विश्व के एक देश को प्रभावित कर रही है, ये एक ऐसा जाल है जो पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ। इससे मनुष्य की केवल आर्थिक नीतियां संचालित नहीं हो रही, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, हर प्रकार की नीतियां इससे संचालित हो रही। परिवार के अंदर तक घुस चुका है, ये बच्चा पैदा होता ही इससे प्रभावित हो जा रहा है। ये एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक था जो अपने अंदर बहुत सारे गूढ़ तथ्यों को समाहित किए हुए था, यही कारण है कि मैंने इसको उठाया। ऐसे ही बहुत सारे विषय जो समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, हम अपने लेक्चर के तहत हमेशा उठाते रहेंगे और हमेशा आपको बताते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और विषय से संबंधित जो भय है, डर है, वो समाप्त हो। एक नए लेक्चर के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।